दोस्तों आज खिलाड़ी कुमार की आने वाली मच अवेटेड फिल्म यानी कि लक्ष्मी बम को लेकर एक ऐसी खबर सामने आई है जिसको सुनने के बाद आप भी ये कहोगे कि भैया लक्ष्मी बम की टीम को ये फैसला बहुत पहले ही ले लेना चाहिए था। तो दोस्तों क्या है ये खबर, चलिए मैं आपको बताता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ नरेंद्र और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ और एक खास रिपोर्ट जो जुड़े भैया बॉलीवुड के रियल मेगा स्टार यानी भैया गारंटी कुमार, खिलाड़ी कुमार, रिकॉर्ड कुमार यानी कि भाई स्पीडी कुमार, अक्षय कुमार से। तो दोस्तों आपको तो पता ही है कि अक्षय कुमार इन दिनों अपनी आने वाली मच अवेटेड फिल्म यानी कि लक्ष्मी बम को लेकर काफी चर्चाओं में हैं, जो कि अगले महीने की 9 तारीख को सिनेमा घर में नहीं बल्कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली है। यानी कि भैया फाइनली ये फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने जा रही है अगले महीने डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। और भाई इससे पहले कि यह फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होती कि भाई ये फिल्म कई सारे विवादों में घिर गई थी और भाई उन विवादों को लेकर इस फिल्म को लेकर ये बातें कही जा रही थी कि भैया इस फिल्म का टोटली बहिष्कार किया जाएगा और इस फिल्म को वैसा सपोर्ट नहीं दिया जाएगा जैसे कि पहले अक्षय कुमार की आने वाली फिल्मों को दिया जाता था। तो दोस्तों ये विवाद क्यों शुरू हुआ था? तो दोस्तों ये विवाद शुरू हुआ था इस फिल्म के नाम से, यानी कि भैया इस फिल्म के नाम को लेकर लगातार सोशल मीडिया पर ये आवाज बुलंद की जा रही थी कि भैया इस नाम से एक धर्म को आहत करने की कोशिश की जा रही है। यानी कि भैया सोशल मीडिया पर ये बातें लगातार कही जा रही थी कि आखिर में इस फिल्म का नाम लक्ष्मी बम क्यों रखा गया, क्यों इस फिल्म का नाम कुछ और क्यों नहीं रखा गया, क्यों इस फिल्म के नाम के साथ में बम शब्द का इस्तेमाल किया गया। तो दोस्तों आज इस फिल्म को लेकर एक ऐसी खबर सामने आ चुकी है कि भैया फाइनली इस फिल्म के मेकर्स ने यह फैसला ले लिया है कि वो इस फिल्म के नाम से बम शब्द को हटाने वाले हैं। यानी भैया अब इस फिल्म का नाम केवल लक्ष्मी होगा, ना कि लक्ष्मी बम होगा। और भाई लक्ष्मी के स्पेलिंग में भी अब बदलाव किए गए हैं। यानी कि भैया पहले इस फिल्म का जो नाम था वो था LAXMMIBOMB यानी कि लक्ष्मी बम। और भाई अब जो इस फिल्म का नाम सामने आ रहा था उसमें बताया जा रहा है कि इस फिल्म का जो स्पेलिंग है वो कर दिया गया है LAXMII यानी कि लक्ष्मी हो गया है। यानी कि भैया अब इस फिल्म के नाम को आप लक्ष्मी बम के नाम से नहीं जानोगे बल्कि लक्ष्मी के नाम से जानोगे। तो भैया लोगों की जो अपील थी इस फिल्म को लेकर कि भैया इस फिल्म के नाम को अविलंब बदला जाए, तो फाइनली इस फिल्म के मेकर्स ने, इस फिल्म के एक्टर ने, इस फिल्म के डायरेक्टर ने यह फैसला लिया कि भाई इस फिल्म को लेकर जितनी नेगेटिविटी सोशल मीडिया पर फैल रही है, लगातार इस फिल्म को लेकर यह बातें कही जा रही कि भैया इस फिल्म का टोटली बहिष्कार कर दिया जाएगा, तो भैया उसी बात को ध्यान में रखकर अब इस फिल्म के नाम को पूरी तरीके से चेंज कर दिया गया है। तो दोस्तों आप अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि भैया इस फिल्म का नाम आज तो फाइनली चेंज कर दिया गया है, लेकिन क्या यह फैसला पहले नहीं लिया जा सकता था? यानी कि भैया आज जो खबर निकल के आ रही है इस फिल्म को लेकर उसमें यह बताया जा रहा है कि भैया जहां जहां इस फिल्म के पोस्टर को शेयर किया गया है इस फिल्म के मेकर्स की तरफ से, वो पोस्टर पूरी तरीके से हटा दिया जाएगा। यानी कि हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से वो पोस्टर हटा के अब लक्ष्मी का जो पोस्टर है वो लगाया जाएगा। वैसे आप अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताएगा कि भैया इस फैसले के बाद क्या आप खिलाड़ी कुमार की आने वाली इस फिल्म को लोगों का सपोर्ट मिलेगा, अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वर्ल्ड न्यूज़ जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।